हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप क्या होता है, इंटीजर क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ डाटा टाइप इन सी। तो डाटा टाइप इन सी मतलब ये एक ऐसा चीज़ है जो कि कंपाइलर को बताता है कि किस टाइप का इसमें बैरियर को स्टोर किया जा रहा है, जो कि इंट है या फ्लोट है, किस टाइप का डाटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो ये कंपाइलर को बताता है। और ये जो होता है कंपाइलर में प्री डिफाइंड होता है, मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है कि इसमें क्या चीज़ डालने वाला है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि डाटा टाइप्स का जो भी होता है साइज़ क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है और रेंज कहाँ से कहाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर के। तो कैरेक्टर का जो साइज़ होता है 1 byte का होता है और इसको हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज सी से, जिसको कि हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। और इसका रेंज होता है -128 to 127। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट और शॉर्ट का। तो इसका भी साइज़ होता है 1 byte और इसको परसेंटेज डी और परसेंटेज आई से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसका रेंज होता है -32768 to 32767। काफ़ी लंबा रेंज होता है इसका। उसके बाद बात करते हैं 3 long का। तो इसका भी साइज़ होता है 1 byte का और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज आई डी और एल आई और एल। और इसका रेंज होता है -21474836487 तक के। उसके बाद बात करते हैं फ्लोट का। तो फ्लोट का भी साइज़ 1 byte होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज एफ से। और इसका होता है 3.4E238 to 3.4E238। इसका क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग कोई भी डाटा स्टोर करते हैं तो पॉइंट में स्टोर करेगा। दैट मीन जैसे करेंसी है तो 100.23, 100.25, तो 2325 को भी स्टोर करेगा फ्लोट। बट इंटीजर में क्या होगा, 100.23 लिखे तो वो सिर्फ 100 ही लेगा, इसलिए इसका यूज़ होता है काफ़ी जगह पे। अब बात करते हैं डबल की। तो डबल का भी साइज़ 1 byte का होता है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई एफ से, जो कि इसका वैल्यू होगा 1.7E2308 to 1.7E+308। अब 6 long डबल का बात करते हैं। इसका साइज़ भी 1 byte का होगा और इसको कैपिटल एल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका रेंज होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। तो कीवर्ड होता है ये रिजर्व वर्ड होता है जो कि पहले से कंपाइलर में डला होता है कि इस वर्ड का मीनिंग ये है तो इसका ये है, इसका फिक्स मीनिंग होता है। सी प्रोग्रामिंग में टोटल 32 कीवर्ड्स है जो कि जाने जाते हैं लिखने के लिए, जो कि कंपाइलर को पहले से पता होता है वो 32 है। और वो सब है ऑटो, ये मैं अल्फ़ाबेटिकली आपको बता रहा हूँ, वो है ऑटो, ब्रेक, केस, कांस्टेंट, कैरेक्टर, कंटिन्यू, डू, डबल, डिफ़ॉल्ट, एनम, एक्सटर्न, एल्स, फॉर, फ्लोट, गो टू, इनटू, लॉन्ग, रिटर्न, रजिस्टर, इफ, स्टैटिक, साइन, साइज ऑफ, सॉर्ट, स्विच, स्ट्रक्ट, टाइप डेफिनेशन, टाइप डिफाइन, यूनियन, वर्ड, अनसाइन, वॉलेटाइल, वाइल्ड। इसमें से कुछ कीवर्ड्स है जो कि हम लोग लगभग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, सारा कीवर्ड्स जो है वो प्रोग्राम में यूज़ नहीं आता है। कुछ कीवर्ड्स है जैसे कि केस हो गया, कैरेक्टर हो गया, कांस्टेंट हो गया, कंटिन्यू हो गया, डू हो गया, डबल हो गया, फिर एल्स हो गया, फॉर हो गया, फ्लोट हो गया, रिटर्न हो गया, ऐसे कुछ है और भी है जैसे कि स्विच वगैरह, वाइल हो गया। ये सब हम लोग यूज़ करते हैं मेनली लगभग प्रोग्राम में, और है वो तो कुछ रेयर केस में ही यूज़ हो पाता है। अगर आप रेगुलर प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ पे यूज़ होता है। वैसे मैं आपको सब बताने वाला हूँ कौन कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे जैसे मैं प्रोग्राम करवाऊँगा उस तरह से मैं आप लोग को बताऊँगा कौन सा कहाँ पे कैसे यूज़ होता है।